और साथियों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ अपडेट्स साझा करेंगे। एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, आप स्क्रीन पर देख लें कि प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या होने वाली है इसके ऊपर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और आप देख लें कि शिक्षा मित्र की बेटी ने रोशन किया नाम, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोनों ही अपडेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। डेट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी जिसकी हेडलाइंस आप देख लें कि शिक्षा मित्र की बेटी ने पास किया नेट, ये आज की ही खबर है। साथियों आप देख लें कि क्षेत्र के ग्राम समदलपुर निवासी शिक्षा मित्र गिरीश वर्मा की बेटी अनामिका वर्मा ने नेट की परीक्षा पास कर माता पिता के साथ ही क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। प्राथमिक विद्यालय परसेहरा में तैनात शिक्षा मित्र गिरीश वर्मा की बेटी अनामिका वर्मा ने पहले ही प्रयास में 194 नंबर लाकर नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी की ये बात है, जहाँ पर हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पहले ही प्रयास में गरिमा ने हासिल किया 30वां स्थान, यानी कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में 30वां स्थान हासिल करके एसडीएम का पद इन्होंने प्राप्त किया था। जहाँ पर आप सेकंड अपडेट मैंने आपको बताया था कि फरीदपुर तहसील के गाँव सिकुटिया, यानी कि सिकुटिया सिंहवारी निवासी कमल राजकमल सिंह यादव, यानी कि इन्होंने तहसीलदार नायब तहसीलदार का पद इन्होंने यहाँ पर हासिल किया था। साथियों ये काफ़ी ज्यादा गौरव की बात है आप सभी के शिक्षा मित्र समाज में, जहां पर सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों को अयोग्य कहा जाता है, जबकि शिक्षा मित्र भी एक समय पर अपने गांव में सबसे ज्यादा योग्य, यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में आने वाले छात्र थे, जो कि आज शिक्षा मित्र के पद पर है। जहां पर साथियों इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के जो वाक्य हैं सरकार के द्वारा, उनके खिलाफ बोले जाते हैं। फिलहाल के लिए ये जो अपडेट्स हैं साथियों, ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी की अपडेट्स है। और आप सभी की इस पर क्या राय है आप ये कमेंट में लिखकर बताइएगा, और ये अपडेट आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।